आज बप्पी लहरी जी का ही इज नॉट विद अस, सो व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक दिस हैज एब्सोल्यूट लेजेंड. आई मीन वी ऑल ग्रोन अप ऑन दैट म्यूजिक, लाइक याद आ रहा है एंड ऑल, स्टिल प्लेज इन आवर कार्स व्हेन वी गो आउट ऑफ टाउन, व्हेन वी ट्रैवल. तो उनका जो मार्क है, आई डोंट थिंक, यस ऑफ कोर्स, सो हमारे बीच में नहीं रहे, बट हमेशा आपका जो काम है, जो आपकी लेगेसी है, जो आप छोड़ के जाते हैं, वो आपको हमेशा जिंदा रखेगा. या हमेशा रहेगा. And which was your personal favorite? Disco Dancer. Disco Dancer. Yeah. For me, Yaad Aa Raha Hai was the is one of my favorites. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, man. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Thank you, man. Thank you. बिल्कुल. आई थिंक आज डिस्को इस जॉनरा ने अपना आत्मा खोया है, ये कहना चाहूँगी. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बप्पीदा फॉर हंटर, और उनके जैसा विजन, उनके जैसा सेंस ऑफ म्यूज़िक बहुत रेयर है. और बहुत दो बहुत ही कीमती तारे हमने खोए हैं पिछले कुछ दिनों में, और इट इज़ रियली सैड. मतलब आज सुबह मुझे खुद ऐसा हो रहा था कि आज मेरा ट्रेलर लॉन्च है पर मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन पहले से ही सब कुछ प्लान था, कैंसिल भी नहीं कर सकते थे. पर हाँ, बिल्कुल, एक इट्स अ बिग बिग वॉइड दैट कैन नेवर बी फिल्ड. जैसे कि आपने बोला कि उनके साथ आप काम किए, क्या कुछ यादें रह गई हैं आपके साथ? गाना या लिरिक्स सुनते ही मतलब आपका ना कनेक्शन होना पड़ता है भगवान से इतना जल्दी, और इतना यूनिक म्यूजिक जब आपको बस उसके आशीर्वाद से ही मिल जाता है, और आई थिंक ही वॉज वन ऑफ देम जिनका डायरेक्टली ऊपर कनेक्शन था. बहुत दुख हुआ, ऑब्वियसली. आई मीन दैट इज व्हाट आई फेल्ट, दैट ही वेंट बिफोर हिज टाइम. 69 इयर्स ये कोई उम्र नहीं है जाने की, और बप्पीदा को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि. जिस तरह से ये साल रहा है, पहले हमने वही बोलना चाहूँगी जो आपने अभी कहा कि मेरे लिए लता दीदी का जाना तो बहुत ही पर्सनल लॉस था, क्योंकि मैं उन्हें मिल चुकी हूँ कई बार और मैं उनके घर जा चुकी हूँ. गणपति के लिए उन्होंने आरती मैंने उनसे उनकी आवाज़ में सुनी है, तो मेरे लिए इट वॉज़ अ पर्सनल लॉस. आई थिंक लता दीदी का जाना, बप्पीदा का जाना, ये हर किसी के लिए पर्सनल है. कोई भी संगीत की दुनिया से जो हम जो प्यार रखते हैं और हिंदी सॉन्ग्स के साथ जो जितना संबंध है हम सबका, जुड़े हैं हमारे मेरे बचपन से है, मेरे बचपन से, तो आपके बचपन से तो डेफिनेटली होगा. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल लॉस, एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू पुट इट पास्ट अस, आई थिंक. नहीं, बहुत नहीं, इतना भी नहीं करना. आई मेट हर पर्सनली, उनके गानों के साथ मेरे हर इमोशन के लिए लता दीदी के पास गाना था, और मेरे राइट फ्रॉम माय मेरे बचपन से, जब मेरे माँ बाप रेडियो पे चलाते थे उनके गाने, और फिर बाद में जब मैं कॉलेज गई, फिर बाद में जब मुझे पहला प्यार हुआ, जब बाद में एक एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें इमोशन भरा नहीं है. तो आप चुन लो, आपका चॉइस है, इतना खजाना छोड़ गई है वो हमारे लिए. जी, सबसे पहले तो माई कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली. यू नो, इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज उनके जो गाने हैं, उन्होंने जो म्यूजिक आज तक जो करके रखा है, वो और 100 साल तक, 1000 साल तक जो है वो जिंदा रहेगा. एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज, एंड आई रियली होप दैट यू नो गॉड गिव्स हिज फैमिली ऑल द स्ट्रेंथ दैट हिज फैमिली रिक्वायर्स. और मैंने कुछ फोटोज देखी एंड माई हार्ट गोज आउट टू दैट फैमिली. मैं बस यही यू नो इट्स वेरी सैड बिकॉज हाल ही में लता मंगेशकर जी जो है you know she left for the heavenly abode, and
आई थिंक इन लोगों के गाने और इन लोगों के जो ये जो लेजेंड्स है, इनके गाने हमारे साथ और हमारे बाद भी जो है, हमारे पहले भी और हमारे बाद भी हमेशा रहने वाले हैं. तो इन्होंने अपने काम से इतना कुछ करके रखा है. आई थिंक वी हैव टू बी थैंकफुल कि इतने बड़े लेजेंड्स आज इंडिया को जो है वो मिले हैं. एंड दीज लेजेंड्स आर इंडियंस, यू नो, टुडे. एंड एज एन इंडियन आई जस्ट फील प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि यू नो आज उनकी वजह से आज म्यूजिक को इतना जो है वो महत्व मिला है पूरे पूरे विश्व में, मुझे ऐसे लगता है. क्या आप मानती हैं कि एक ईरा खत्म हो गई है, जैसे लता जी हमारे बीच नहीं रहे और फिर पप्पी दाने की रहे, हालांकि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक यू नो ये जो लेजेंड्स हैं, इनका काम जो है वो कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना इनको कभी रिप्लेस किया जा सकता है. हमारे हाथ में अभी बस यही है कि जो जो काम इन्होंने करके रखा है उससे बस सराहे और उस चीज़ को जो है वो एक ट्रेजर की तरह हमेशा अपने दिल के पास रखें.